नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिंदी की जो सीट्स पर बात करने का, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये जो क्वेश्चन है आज हम वर्णमाला के अपने चैप्टर में आज तीसरी सीट से, और इसमें 25 क्वेश्चन है जिन पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण वर्ग की बात हो रही है, तो महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? दूसरे और तीसरे वर्ग, दूसरे और चौथे जो वर्ग होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो किस में आते हैं? महाप्राण वर्ग में आते हैं। यदि आप बात करते हैं कचट तप की, क च ट त और प, ये पांच वर्ग बताए गए हैं। इन पांच वर्ग में जो दूसरे और चौथे वर्ग की ध्वनियां हैं वो किसमें शामिल की जाती हैं? महाप्राण में शामिल की जाती हैं। अगर आप इसमें और आगे जाएंगे तो देखिएगा, ये है आपका पहला वर्ग, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा, इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये होगा खा, ये होगा गा, ये होगा घा और ये ज्ञा। इस तरीके से ये जो ध्वनियां दी गई हैं, ये जो ध्वनियां दी गई हैं वो क्या है? इनमें दूसरे और चौथे वर्ग की, दूसरा और चौथा वर्ग यानी कि खा और घा, ये क्या है? ये आपकी महाप्राण ध्वनियां हैं। तो क्वेश्चन ही पूछा गया है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो दूसरे और चौथे वर्ग से ये संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या बोली गई है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द बोली गई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। शब्द क्या है? जैसे देखिएगा, लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है का म ला, ये क्या है? का अलग ध्वनि है, म अलग ध्वनि है, ला अलग ध्वनि है, लेकिन इन तीनों को यदि आप जोड़ देंगे तो क्या एक शब्द बनेगा और वो होगा कमल, यानी कि भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई है वो क्या है? शब्द है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो शब्द जैसे शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? अल्प प्राण की यदि हम बात करते हैं तो कचट तप के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आता है? अल्प प्राण में आता है। अब कह रहा है कौन सा अल्प प्राण है, जरा देखते हैं, ब ठ भ फ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी टा वाले वर्ग, अगर टा वर्ग में आएंगे तो टा ठा, ठीक है, पहला तीसरा है तो ठा वाला नहीं है, चला गया आपका। अब फा वाले में आते हैं तो पा फ प फ बो भो म, पा फा ब भ म, ये आते हैं। तो इसमें देखिएगा तीसरे न, पा फ ब भ म इस तरीके से दे रखे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। पा वर्ग में पा फ ब भ म सही है। तो इसमें देखिएगा भा दे रखा है, भा कितने पर, चौथे नंबर पर जा रहा है, भा भी नहीं है। और फा देखिएगा, फा दूसरे नंबर पर जा रहा है तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा एक ही बचता है इसमें, कह रहा है इनमें से कौन से अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण की बात हो रही है, अल्प प्राण व्यंजन की बात हो रही है, तो पहले तीसरे और पांच में अल्प प्राण आते हैं, पा फ ब भ म। तो इसमें तो तीसरा देखिएगा, तीसरा वर्ण आया बा, और वो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण अल्प प्राण कौन सा है आपका? बा यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, देखिएगा वही जो मैंने लिखा अभी, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, लिखा हुआ है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। वैसे तो कचट तप की यदि आप बात करते हैं तो ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसमें जो पांचों वर्ण आते हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अंतिम जो ये पांच आते हैं, अंतिम जो पांचवें आते हैं, ये अनुनासिक भी बोले जाते हैं, क्योंकि इनका
जो उच्चारण है वो नाक के द्वारा किया जा सकता है। तो इसी में यदि आप जाएंगे तो ना और माँ कैसे आते हैं, स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाते क्योंकि वो कैसे हैं, अनुनासिक हैं। ठीक है, क्योंकि सही विकल्प नामा में अनुनासिक कौन से हैं, अंतिम पांच वर्ण ये। ठीक है, अंतिम पांच वर्ण क्या बोले जाते हैं, अनुनासिक बोले जाते हैं। और यदि 33 व्यंजनों की बात करते हैं तो उनमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, वैसे ही स्पर्श व्यंजनों में शामिल है, लेकिन यदि देखा जाए क्योंकि अंतिम पांच है तो ये क्या है, अनुनासिक बोले जाते हैं। हिंदी की कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो ध्वनियां कौन सी हैं, क्वेश्चन यही पूछा गया है। अगर आप कंठ ध्वनियों की बात करते हैं तो का ख ग घ ये किसमें आते हैं, आपकी कंठ ध्वनियों में शामिल किए जाते हैं। ता थ द ध ये सब मूर्धा वाले में आएंगे, चा छा ओ, ओ, ता ये दंत में आएंगे, सॉरी ये दंत में आएंगे आपकी। ठीक है, ये आपके मूर्धा में आते हैं, ये आपके कंठ में आते हैं। ठीक है, और टा ठा डा की यदि हम बात करते हैं तो आप उत्तर दीजिएगा कि टा ठा डा किसमें शामिल किए जाएंगे, टा ठा डा ये किसमें शामिल किए जाएंगे, ओ सॉरी ये तालब था, एक मिनट मिस्टेक, तालब ये किसमें है, तालब में है। चा छा ज झ मूर्धा में है, का ख ग कंठ में है, टा ठा डा ढा आप आंसर दीजिएगा कि किस वर्ग में शामिल किया जाए क्योंकि इनको आप पढ़ चुके हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित जो समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। शब्द गणना, वर्णों के संकलन, शब्द समूह, ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहा गया है, वर्णमाला कहा गया है, जहां पर वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है उसे आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, डिस्कशन देखिएगा। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्ण शब्द से संबंधित नहीं है। यहाँ पर वर्ण के मीनिंग बताए गए हैं, वर्ण के कई सारे अर्थ होते हैं। देखिए वर्ण का मतलब रंग भी होता है, आपका रंग कैसा है, श्याम वर्ण के हो, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है श्याम वर्ण के हो या श्वेत वर्ण के हो, किस वर्ण के, किस रंग का है आपका, कैसा रंग है। जाति के संदर्भ में भी वर्ण का प्रयोग किया जाता है, या वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं तो वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण बताए गए और ये चार जातियों को इंडिकेट करते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता, यानी कि सही आंसर कौन सा है इसका, बी। ठीक है, सही आंसर कौन सा है, बी, वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार यदि आप बात करेंगे तो इनका सही क्रम जो आता है वो ये आता है, संतान, सकल, सक्षम और सचल, ये किस में आते हैं, ये सही क्रम में आते हैं। सही क्रम का मतलब है इनका वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें उसके आधार पर, तो जरा देखिएगा इनका वर्ण व्यवस्था में क्रम कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ है संतान, सकल, सक्षम और सचल, तो सही क्रम क्या है, सबसे पहले संतान आ गया, क्यों, क्योंकि संतान में आपकी अंग की मात्रा आ रही है, सबसे पहले अंग की मात्रा आई तो अंग वर्णमाला में पहले आता है अंग आ, क्योंकि स्वरों के बाद इन दो को भी स्थान दिया गया है, इन्हें अयोग वाह कहते हैं, अनुनासिक और विसर्ग को मिलाकर बनते हैं। तो अंग जो आई वो आपकी का से पहले आई तो संतान शब्द पहला सही है। फिर अगला है सकल, तो सा काला सकल, तो जो है दूसरा शब्द कौन सा होगा, सकल। अगर हम छा की बात करते हैं, छा किससे बनके मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है, इसलिए सक्षम सही है। और सचल यानी कि छा का जो छा का स्थान है वो का से पूर्व है ऐसा माना गया है, लेकिन वहां पर दे रखा है, तो सचल जो है वो बाद में आएगा। तो सकल, सचल, संतान और सक्षम, इन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं। सकल का मतलब समस्त या कुल, सचल का मतलब चलता हुआ, संतान का मतलब औलाद और सक्षम का मतलब है समर्थवान। तो सही आंसर यहां पर था आपका जो था वो सी। क्वेश्चन नंबर 9, अंग और आह का संबंध इनमें से किससे है, तो अंग और आह को मिलाने से क्या बनता है, अयोग भाव बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अयोग वाह क्या है, अयोग वाह किसे कहते हैं, तो अयोग वाह क्या होता है, आपकी अंग प्लस आह,
अंग और आ का जो मेल है वो क्या बोला जाता है, अयोग वाह बोला जाता है। तो इसमें बी जो आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है, यानी ये क्या है, अयोग वाह है अंग और आहा। नाइन्थ का भी आंसर भी दे रखा है भाई। हिंदी वर्णमाला में यदि हम बात करते हैं तो अंग जो है इसे आप अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसे आप अनुस्वार भी बोलते हैं, और इसके लिए जो है आप विसर्ग के रूप में बोलते हैं। इसके विसर्ग यानी कि अनुस्वार और विसर्ग का जो ज्वाइंट रूप होता है वो क्या बोला गया है, अयोगवाह बोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेंथ में अयोगवाह कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा अयोगवाह क्या है, अनुस्वार और विसर्ग का मेल है। अनुस्वार और विसर्ग को मिलाने से किसका निर्माण होता है, अयोगवाह का निर्माण होता है। ठीक है, अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, अन्य विकल्प असंगत है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ वर्ण की यदि बात आती है, कल से हम बात कर रहे हैं चार वर्ण होते हैं य र ल और व, तो कह रहा है इनमें कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, य र ल व। देखिए य अंतस्थ व्यंजन है, र है, व है, लेकिन हा कैसा है, हा अंतस्थ व्यंजनों में शामिल नहीं होता। हा कैसा है, हा एक उष्ण व्यंजन है, इसको बोलने से आपको गर्माहट का एहसास होगा, तो सही आंसर था इसमें हा। दंतोष्ट ध्वनिया कौन सी है, दंतोष्ट की यदि हम बात करते हैं तो दांत और ओठ से बोली जाने वाली, दांत और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है, यदि हम दंतोष्ट की बात करते हैं तो वाह, वाह कैसी है, पूर्णतः दंतोष्ट जो है वर्ण है। अगर आप रा की बात करते हैं तो ये लुंठित है। या कैसा है, या आपका अंतस्थ व्यंजन है। फा कैसा है, फा आपका ओष्ठ व्यंजनों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वह कैसा है, दंतोष्ट ध्वनि है। तेरे अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अनुनासिक की संबंध की बात करते हैं तो अनुनासिक वर्ण वह वर्ण होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, अनुनासिक। नाक और यहां पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसे आप समझ लीजिएगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, नाक और मुंह से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो नाक और मुंह से जिनका संबंध होता है उन्हें आप अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, मुंह मतलब मुख की बात हो रही है, थोड़ा सा ये मैंने तत्सम भाषा का शब्द लिख दिया, ये हम बात करते हैं तो तद्भव का लिखा था, ये तद्भव का था और ये तत्सम का है, तो मुख शब्द आता है, मुख से बोले जाने नाक और नासिका और मुख से बोले जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमक्षर अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक सांस जो है निकलती है। तीनों ही आंसर सही है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनियां है, पंचम अक्षर बोले जाते हैं, वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार होता है, ये भी सही है, नाक से सांस कम निकलती है और मुंह से सांस ज्यादा निकलती है, यानी डी ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा ये सभी इसमें सही है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 14 उपयुक्त में से तीनों कथन, तो सॉरी ये तो आंसर है 15 क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का या कम समय लगता है वो क्या बोले जाते हैं, ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है जबकि ह्रस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों में दो मात्रा का समय या कहें कि ज्यादा समय लगता है तो वो कौन से हैं, दीर्घ स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, यदि हम ऊ की बात करते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो जीवा के आधार पर ये दे रखे हैं, तो ये पश्च संवृत स्वरों में जाता है। किस स्वर में जाएगा, पश्च संवृत स्वरों में जाता है, जिसमें जीवा का पिछला भाग कम सक्रिय रहता है वो पश्च संवृत स्वर होते हैं, तो ऊ इसमें पश्च संवृत स्वर में जाता है। 18, हिंदी की का ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से
व्याकरण की दृष्टि में है का ध्वनि की यदि आप बात करते हैं, का कैसी ध्वनि है, हिंदी की का ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से कैसी है, क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखिएगा, का पहले नंबर पे आती है, यदि आप स्पर्श व्यंजनों में बात करते हैं तो पहले तीसरे पांच में कैसे होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। पहला तीसरा कैसा होता है, अल्प प्राण होता है, और पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो ये कैसी है, अल्प प्राण और अघोष ध्वनियों की शामिल की जाती है। अल्प प्राण में कौन से आएंगे, अल्प प्राण कौन सी है, पहली तीसरी और पांचवी। अघोष की यदि आप बात करते हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष होते हैं पहले और दूसरे। तो का और का दोनों पहले में आते हैं आपके, तो ये कैसे हैं आपकी, तो ये दोनों आपकी अल्प प्राण और अघोष वर्णों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण और अघोष लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विवृत स्वर है, विवृत स्वर ई है, ए है, ऊ है, ओ है। तो विवृत स्वर की यदि हम बात करते हैं तो बी, यानी कि ए आपका विवृत स्वर है, बी ऑप्शन। जीवा के आधार पर विवृत, समवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समवृत स्वरों की बात की गई है। तो ए को क्या माना जाता है, ए को विवृत स्वर माना जाता है। ठीक है, ए अर्ध विवृत स्वर है, अन्य विकल्प अनुचित है, दो दो ए उत्तर सही है। विवृत स्वर ऐसे स्वर जो ध्वनि, ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालू से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ एक ऐसा स्वर है, ई एक समृत स्वर है, ऊ एक समृत स्वर है, ऊ आपका अर्ध समृत स्वर है। विवृत स्वर की बात की गई थी तो विवृत स्वर वहां पर कैसा था, आपका एक जो था ए था। ठीक है, विवृत स्वर कौन सा है, ए। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था, शब्दों का एक समूह दे रखा था वहां पर संतान करके था। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का के बाद आता है, का के बाद, क्योंकि का धन शा बनता है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से बनता है, का धन शा, तो छ बनता है, तो इसका स्थान किसके बाद आता है, का के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, 21 क्या कहता है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने पर गर्माहट का एहसास होता है, ऊष्म व्यंजन बोले गए हैं, वो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श श श एवं हा। ये क्या बताए गए हैं, ये चारों ऊष्म व्यंजन बताए गए हैं। कैसे व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बतलाए गए हैं। तो इसमें जो दे रखा है शा, वो कैसा है, ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है आपका, शा। क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है 22। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, पहले तीसरे और पांच में कैसे बोले जाते हैं, अल्प प्राण बोले जाते हैं। तो यदि देखिएगा पहले तीसरे टा ठ ड यहीं पर दिखाई दे रहा है, देखिए टा कैसा वर्ग है, तीसरा है, ड कैसा है, टा पहला है, ड तीसरा है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, पा पा ये दूसरा होता है तो ये नहीं होगा, ता था ये भी दूसरा होगा, ये भी नहीं है, शा शा ये पहला है, तो ठीक है। लेकिन ये शा 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 जो दोनों है, ये दोनों किसमें आते हैं, संघर्षी में जाते हैं, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन में जाते हैं, तो ये अल्प प्राण नहीं है। और सही आंसर है 22 का डी, टा और डा आपके कैसे व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए अगली स्लाइड की ओर। वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, ये वाली पहली वाली खा और गा। इनका ध्यान दीजिएगा, इनमें जैसे खा लिखा हुआ है, खा के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, गा लिखा हुआ है, गा के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है। तो ये जो नुक्ता है वो अरबी फारसी से आया है, और ये अरबी फारसी से जो है शब्द हमारी हिंदी वर्णमाला में आए हैं। तो इसमें कौन से खा और गा कैसे हैं आपकी जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ये हिंदी वर्णमाला की ध्वनियां नहीं है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट। दो प्रकार की होती हैं हिंदी में, दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, कल से हम पढ़ते आ रहे हैं। वो दो प्रकार की ध्वनियां कौन सी होंगी, या तो वो स्वर होंगी या वो व्यंजन होंगी, यानी कि वो दो ध्वनियां कौन सी हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि हिंदी में दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, स्वर और व्यंजन। पहला ऑप्शन स्वर,
दूसरा ऑप्शन व्यंजन, दो ऑप्शन पहले वाले में दे रखे हैं, तो 24 का ए। आज का अंतिम क्वेश्चन, रा व्यंजन क्या कहलाता है? रा व्यंजन कैसा है? रा व्यंजन आपका लुंठित व्यंजन में शामिल किया जाता है, जिनको बोलने में जीभ आपकी लुढ़कती है, मुड़ते हुए बाहर की ओर ऐसा लगता है कि लुढ़क रही है, तो वो लुंठित व्यंजन बोले जाते हैं। और रा एकमात्र कैसा वर्ण है? ला रा एकमात्र आपका लुंठित वर्ण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, यही दे रखा है, सही उत्तर लुंठित है, रा व्यंजन लुंठित व्यंजन है, जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ लुढ़कती है उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। हिंदी का एक व्यंजन लुंठित व्यंजन है और उसका नाम है रा। तो ये थी आज की हिंदी की क्लास, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।